वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, बड़ी खबर पर बने हुए हैं। हालांकि हादसे की क्या कुछ वजह है अभी तक साफ नहीं हो पाई। तो विमान क्रैश हो गया है, वायुसेना का लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त। बडगाम के पास मिग विमान क्रैश हुआ है और हादसे की वजह साफ नहीं हो पाई। जो मिग विमान क्रैश हुआ है, आपको बता दें, बडगाम के पास हुआ और वायुसेना का लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, बड़ी खबर। हालांकि अभी तक वजह साफ नहीं हो पाई है कि आखिर किस वजह से यह हादसा हुआ। तो बड़ी खबर पर बने हुए हैं, वायुसेना का लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, बडगाम के पास मिग विमान क्रैश हुआ है। और किस वजह से यह हादसा हुआ अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो मिग विमान जो क्रैश हुआ है वो बडगाम के पास बताया जा रहा है और वायुसेना का विमान आपको बता दे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बड़ी खबर पर बने हुए लगातार, बडगाम के पास मिग विमान क्रैश हुआ। क्या कुछ वजह है अभी स्पष्ट नहीं हो पाई, हालांकि कारणों का पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस वजह से यह पूरा हादसा हुआ है। वायुसेना का मिग विमान क्रैश हो गया और बडगाम में आपको बता दें ये विमान क्रैश हुआ है। तो इस बीच लगातार बड़ी खबर पर बने हुए हैं, जहां पर भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त। और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ नेशनल वॉइस के एसोसिएट एडिटर हरिकेश कुमार जुड़ चुके हैं। हरिकेश, यहां पर वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, बडगाम जगह बताई जा रही जहां पर विमान क्रैश हुआ है, हादसे की जो वजह वो स्पष्ट नहीं हो पाई, अभी तक साफ नहीं हो पाई, क्या कुछ कहेंगे? देखिए दिव्या, इस समय MiG-21 में लगातार ये समस्या बनी हुई है, पिछले कई दिनों से या कई महीनों से ये समस्या बनी हुई है और अभी कुछ दिन पहले भी हादसे में एक पायलट घायल हुआ था और एक की मृत्यु हो गई थी। तो ये कंटिन्यूअस प्रॉब्लम बनी हुई है और उसमें मशीनी खराबी बताई जाती है बार बार। ये समझ नहीं आता है कि MiG-21 के अगर मशीनी खराबी लगातार है फिर वो किस तरह से ट्रायल बेसिस पे उड़ते हैं और कैसे उड़ाए जाते हैं, ये लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। हर बार ये कहा जा रहा है कि MiG-21 की जो मशीनरी है उसमें कुछ खराबी हो चुकी है, काफी पुराने हो गए, उन्हें सर्विसिंग चाहिए, उन्हें बहुत सारी चीजें सुधारात्मक चाहिए, लेकिन उसका अपग्रेडेशन क्यों नहीं होता है इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा दुखद हादसा है कि जहां हमारी Mirage 2000 की 12 लड़ाकू विमान जो है पाकिस्तान में घुस के अटैक करके बाहर आ जाते हैं और कोई भी कैजुअल्टी नहीं होती है, हम बेवजह में अपने पायलट खो रहे हैं MiG-21 के माध्यम से। और MiG-21 जब तक क्रैश होते रहते हैं, इस समय जो स्थिति है श्रीनगर से जो एयरपोर्ट है वहां पर से किसी भी सामान्य जहाजों के आने जाने की आवाजाही रोक दी गई है एहतियात के तौर पे। तो ये महत्वपूर्ण इस समय है और बड़गाम में जहां पे हुआ है हादसा वहां पूरा मलबा एक साथ पड़ा हुआ है, 2 पायलट हमारे उसमें मारे जा चुके हैं, ये इस समय स्थिति है दिव्या। और इसके साथ ही वायुसेना का लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया बडगाम के पास। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जब भारतीय वायु सीमा में घुसे पाक के विमान, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, भारतीय वायु सीमा पर पाक के विमान घुसे हैं।